दोस्तों, जब आप योनो एसबीआई से मनी ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई से और कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है, इट अपीयर्स यू डोंट हैव अ यूपीआई आईडी, तब आप क्या करेंगे, कैसे मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको अपना योनो एसबीआई को ओपन कर लेना है। चलिए योनो एसबीआई को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ही ऑप्शन मिल जाएगा क्यूक पे। तो यहाँ पे आपको क्यूक पे पे क्लिक करना है। क्यूक पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एम पिन डाल दें, जो अपना एम पिन है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको योनो क्यूक पे पे लेके आएगा। यहाँ पे दोस्तों, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो लिखा हुआ आ रहा था। जैसे आप यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह का पेज आएगा जैसे मैंने फर्स्ट पे आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं, इट अपीयर्स यू डोंट हैव ए यूपीआई आईडी। तब क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे मनी ट्रांसफ़र करेंगे आप? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, जिससे आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे एसबीआई बैंक का हो या फिर अदर बैंक का हो। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा बेनिफिशियरी पे। बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, जो लिखा हुआ है पे टू बेनिफिशियरी, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है ऑप्शन पे लेके जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पे टू बेनिफिशियरी, अगर आप ऑलरेडी पहले से जो है अपने किसी फैमिली मेम्बर्स या किसी का जो है अकाउंट को ऐड करके रखे हैं यहाँ पे, तो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको एग्जिस्टिंग ऊपर है, इसको आपको बंद कर देना है। तो जैसे ही आप बंद करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई बैंक अकाउंट और यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप जो है चूज कर लें, कि आप सेलेक्ट कर लें कि आप कौन सा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अदर बैंक या फिर एसबीआई बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे जो है रिसिपिएंट नेम, यानी कि जिसको आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल दें, अकाउंट नंबर डाल दें और फिर अकाउंट नंबर कन्फर्म नीचे कर दें। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट सारा फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डाल दिया है, नेम डाल दिया है, अकाउंट नंबर भी और री इंटर अकाउंट नंबर भी कर दिया है। तो इसी तरह आप बिल्कुल सही तरीके से फिलअप कर दें और फिर चलिए नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पे टू बेनिफिशियरी में नाम आ गया है। तो इसी तरह आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, अमाउंट डाल देना है। चलिए मैं अमाउंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी नाम आ गया था जैसे हम फिलअप किए थे, यहाँ पे अमाउंट दे देना है। मैंने अमाउंट डाल दिया है 100 रुपीज़। इसी तरह से आप अमाउंट डाल दें और नीचे व्हाट इज़ दिस फॉर, ये क्या है, इस तरह से ऑप्शनल में आप गिफ्ट लिख दें जैसे मैंने लिख दिया है। तो चलिए अब पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करते ही दोस्तों ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पे ओटीपी को इंटर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ओटीपी इंटर कर दिया है, आप भी इसी तरह ओटीपी इंटर कर दें और नीचे सबमिट पे क्लिक कर दें। और फिर सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ऊपर देख सकते हैं ग्रीन टिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सक्सेस लिखा हुआ मिलेगा, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, मेड टू बेनिफिशियरी, यहाँ पे नेम भी रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जब भी जो है आपका यूपीआई आईडी इनेबल नहीं रहेगा, फिर भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे एसबीआई बैंक का हो या फिर अदर बैंक का। तो और बताइए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।